नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से जारी उठापटक पर अब विराम लग गया है। तकरीबन 8 महीने से शिवसेना के नाम और पार्टी के निशान तीर कमान को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में घमासान चल रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस घमासान पर विराम लगाते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान सौंप दिया है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। चुनाव आयोग का यह फैसला उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका है, तो वहीं शिंदे गुट के लिए बड़ी जीत। लेकिन महज 8 महीने में सरकार और पार्टी खोने वाले उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। देखिए रिपोर्ट। शिंदे गुट की हुई शिवसेना, उद्धव गुट आउट। सरकार के बाद उद्धव ने गवाई पार्टी। शिंदे गुट को मिला पार्टी का प्रतीक धनुष और तीर। शिंदे को सौंपा शिवसेना का नाम और निशान। शिंदे ने कहा, ये लोकतंत्र की जीत। उद्धव ने कहा, यह चुनाव आयोग की मनमानी। पिछले 8 महीनों से महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक चल रही है। शिवसेना को लेकर उद्धव और शिंदे आमने सामने थे। दोनों का दावा था कि शिवसेना पर उसका अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा है। चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। पानी की तरह बहाया, वो पानी कहां तक पहुंचा ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ। हम नया चित्र लेकर जाएंगे और जनता के दरबार फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को पिछले साल आवंटित मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उनकी मशाल का चुनाव चिन्ह के रूप में चिंचवाड़ा उपचुनाव तक ही है। आयोग ने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आवंटित किया गया है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले पर खुशी जताते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं, लोकतंत्र में बहुमत मायने रखता है और यह है शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विरासत की जीत है, हमारी असली शिवसेना है। लोकशाही मध्ये बहुमताला महत्व असतं आणि आज आपण पाहिलं बहुमताचं सरकार या राज्यात स्थापन झालं आणि त्यामुळे घटना कायदा नियम हे सगळं बघितलं तर बहुमतच महत्त्वाचं असतं आणि ते बहुमत आमच्या सोबत आहे। त्यामुळे मेरिटवर निर्णय लागावा ही आमची प्रामाणिक अपेक्षा। हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे मी त्याच्यावर जास्त काय भाष्य करू इच्छित। चुनाव आयोग ने यह निर्णय लेते समय निर्वाचित प्रतिनिधियों और उन्हें मिले मतों पर भी विचार किया। यह उल्लेख किया गया है कि बहुमत परीक्षण में शिंदे गुट का दबदबा है। शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं, उन्हें 36,37,000 वोट मिले थे। यह शिवसेना को मिले कुल वोटों का 76% है। इसके उलट ठाकरे गुट के 15 विधायकों को 11,25,000 वोट मिले। इसी तरह 13 सांसद शिंदे गुट के साथ हैं, उन्हें 74,88,000 वोट मिले हैं। यह प्रतिशत शिवसेना के कुल मतों का 73% है। ठाकरे गुट के 5 सांसद हैं, इन्हें 27,56,000 वोट मिले हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार और चुनाव चिन्ह आवंटन अधिनियम 1967 की धारा 15 और 18 के अनुसार
आवेदक एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम और धनुष चिन्ह दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस ऐतिहासिक फैसले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जताते हुए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। इलेक्शन कमीशन ने जेव वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये अशी परिस्थिती आली त्यावेळी अशाच प्रकारचा निर्णय दिलेला आहे आणि विशेषतः आमदार खासदार यांची संख्या लक्षात घेऊनच निर्णय झालेले आहेत। याचे कारण एखाद्या पक्षाचं रिकग्निशन त्या पक्षाला मिळालेल्या वोट संख्येच्या आधारावर असतं आणि ती वोट संख्या किंवा तो वोट पर्सेंटेज आमदार खासदार यांच्या माध्यमातून ठरत असतं। अर्थात मी काही अजून पूर्ण निकाल वाचलेला नाही त्यामुळे मी निकालाचं विश्लेषण आत्ता करणार नाही, पण मी अत्यंत मनापासून एकनाथरावजी शिंदे यांचं अभिनंदन करतो आणि शिवसेनेचं शिंदेजींच्या नेतृत्वात अभिनंदन करतो। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक लोकाचार और पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने और नियमित रूप से अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपनी पार्टी के आंतरिक कामकाज के पहलुओं का खुलासा करने की भी सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि संगठनात्मक विवरण, चुनाव आयोजित करना, संविधान के प्रति और पदाधिकारियों की सूची तैयार करें। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद बीजेपी नेता क्रीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, नाम भी गया, निशान भी गया, अब दोनों हाथ में हरा झंडा लेके निकले हैं, नामो निशान भी रहेगा क्या? एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने तीर कमान चुनाव चिन्ह के जाने के बाद उद्धव ठाकरे को इस बात की याद दिलाई कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1978 में एक नया चुनाव चिन्ह चुना था, लेकिन उससे पार्टी को नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। एनसीपी प्रमुख ने ठाकरे समूह को सलाह दी है, जब कोई फैसला आता है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसे स्वीकार करें, नया चिन्ह लें, पुराना चिन्ह खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एनसीपी के विधायक रोहित पवार का मानना है यह कि 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का अलग फैसला होगा। एक तो आप समझ लो कि 21 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है वो संविधान और जो लोकशाही है उसके बाजू का रहेगा, मतलब उद्धव ठाकरे साहब के बाजू का वो निर्णय वहां पे रहेगा। उसके बाद ये परिस्थिति अलग रहेगी। और जब गुजरात का और हरियाणा का इलेक्शन रूल के हिसाब से साथ में होना चाहिए था, बट मोदी साहब और बड़े बड़े भाजपा के जो नेते है उनको दोनों स्टेट में वहां पे प्रचार करने का समय नहीं था, दोनों जगह जा नहीं सकते थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने दोनों इलेक्शन अलग अलग वहां पे लिए थे। उससे आप समझ लो कि इलेक्शन कमीशन किसका सुनती है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह सच है कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गवा दिया है और इस तरह से दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की भविष्यवाणी सच हुई है। महाराष्ट्र से स्टेट हेड मंगला वागी की रिपोर्ट।